वहीं नागरिकता संशोधन कानून और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल आज सुबह 10:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। मायावती ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन, अलीगढ़ जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए राष्ट्रपति से बीएसपी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा और इस मुलाकात के दौरान इस कानून को वापस लेने की मांग जो है वो की जाएगी। तो ट्विटर पर मायावती की तरफ से ये बात लिखी गई कि केंद्र सरकार के नए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में और इसको वापस लेने की मांग को लेकर बसपा संसदीय दल राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखेगा। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। तो ये वो ट्वीट जो बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया, केंद्र सरकार के नए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में और इसे वापस लेने की अपील के लिए आज सुबह 10 बजे बीएसपी का संसदीय दल माननीय राष्ट्रपति जी से मिलकर अपनी बात रखेगा। तो लगातार ट्विटर हैंडल के जरिए मायावती की तरफ से इस बिल का विरोध किया जा रहा है, जहां वो इस कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बता रही हैं। तो जिस तरह से हिंसा यहां पर भड़की थी तमाम मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में, उसमें पुलिस की बर्बरता पर भी सवाल उन्होंने खड़ा करते हुए कहा कि तमाम चीजें राष्ट्रपति के सामने रखी जाएंगी और इस बिल कानून को वापस लेने की मांग होगी।